तो क्या चाहिए कि भगवान मेरे हो जाए? निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। बिना कपट के, बिना छल के व्यक्ति, छल रहित। आप फल लेकर जाओ, फूल लेकर जाओ, और भी बहुत 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 महंगी महंगी वस्तुएं लेकर जाओ, लेकिन साथ में मन भी सुंदर लेकर जाओ। भगवान सर्वप्रथम ये कहते हैं कि ये सब कुछ, फूल भी दोगे उसको तो वो उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। सबसे पहले जो चढ़ाना है वो सुंदर मन चढ़ाना है, और मन नहीं चढ़ाया, सब कुछ चढ़ा दिया। तो सहज मन, सरल भाव, निश्चल मन। राम जी के लिए निर्मल मन चाहिए, चतुराई चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं। कोई यहाँ चतुर है तो नहीं, चालाक व्यक्ति? आप तो सब बड़े भावों को रसिक, श्रद्धालु हो, हाँ? इसलिए तो आज सबने व्रत रखा है, एकादशी का व्रत रखा, उपवास रखा है। कुछ थोड़ी धार्मिकता तो होती है ना, तब तो कोई व्रत संकल्प नियम धारण करता है व्यक्ति। आप बड़े ज्ञानी हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत जाना हुआ है, बहुत सीखा हुआ है, आपके पास बड़े संसाधन हैं, आप बहुत नाम वाले हो, बड़े ऊंचे पद वाले हो, ये सब कुछ भगवान देखने वाला नहीं है। आपका भाव कितना सुंदर है बस वो देखेगा ये, क्योंकि मन में वही बसा है। इसलिए कई बार देखते हैं कि बहुत सहज से लोगों को भगवान प्राप्त हो गए, और बहुत जानने वाले शायद उसको ना पा पाए। ये विषय है मान लेने का, ये विषय है आंतरिक अनुभव का। इसलिए तो मैया यशोदा के घर जो वात्सल्या है, गोपियां जो ब्रज की करुणामयी है, उनके आगे पीछे श्री कृष्ण घूमते हैं। क्या है ये ऊंची, बहुत शास्त्रीय शिक्षा लेकर नहीं यहाँ ब्रज में है, ये साक्षात प्रेम को ही हृदय में उतार करके श्री कृष्ण को प्रकट करती है। प्रेम ते होए, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।